खबर और मैं हूं आश्रुति नाहर और आज हम आपको लेकर के आए हैं रांची के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में बेशुमार नाम हासिल करने वाले क्लब जिमखाना क्लब में। आज हम बात करेंगे यहां के फूड के बारे में कि आखिर क्या कुछ खास है रांची के जिमखाना क्लब के खाने में। आपको बता दें कि रांची का जिमखाना क्लब स्टार होटल की सुविधाएं मात्र ढाबे के दाम पर उपलब्ध करवाती है और आज हम देखेंगे कि आखिर क्या कुछ खास है रांची के जिमखाना क्लब के खाने। ये है यहाँ का बेकरी और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर पेस्ट्रीज हैं, कपकेक हैं, चॉकलेट लॉलीपॉप है, अब हम आपको डोनट्स है। यहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ों के बारे में बारीकी से आज तो नहीं बता सकते लेकिन हाँ, इसके लिए आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। अभी हम लोग आपको किचन का टूर देते हैं, शेफ से बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ खास यहाँ पर बना करके रखते हैं। और ये यहाँ का पूरा किचन है, आप देख सकते हैं कि किचन में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है, लोगों के सेहत का भी ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। तो चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ से कि आज शेफ क्या कुछ खास बनाने वाले हैं। तो शेफ आपका नाम? मेरा नाम विप्लव विश्वास, मैं जिमखाना क्लब में एग्जीक्यूटिव शेफ पिछले एक साल से। इससे पहले मैं राजस्थान में 22 ईयर्स SRS ग्रुप ऑफ होटल्स में था। फर्स्ट टाइम मैं रांची में आया हूँ। अभी आप लोगों को मैं बताऊँगा शाम सवेरा, एंड शाम सवेरा कैसे बना, क्या है उसके बारे में डिटेल्स बनाएंगे और बता के आपको बताएंगे। तो शाम सवेरा जो नाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ये नाम कहाँ से आया और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस डिश के बारे में? बिल्कुल मैम, बेसिकली शाम सवेरा का मतलब ही है। शाम सवेरा डिश का नाम इसलिए रखा गया है, शाम का ये इसका तैयारी शाम को होते और ये डीप फ्रीज किया जाते। डीप फ्रीज में रखने के बाद इसको सवेरे इसको कटिंग करके खाना बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा शाम सवेरा। तो ये डिश बेसिकली शेफ संजीव कपूर का रेसिपी है, लेकिन हम थोड़ी मॉडिफाई करके हमारा रेसिपी में कन्वर्ट किया है, तो आपको बताएंगे कि कैसे शाम सवेरा बनते हैं। तो यहाँ के लोगों का शाम सवेरा डिश को लेकर के कैसा रिव्यू रहता है? रिव्यू में कुछ पार्टी में दिया हूँ, बहुत अच्छा फीडबैक आया है। अभी फिलहाल हमारे मेनू में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट महीना हमारा जो नया मेनू बन रहा है इसमें मैं स्पेशली शाम सवेरा जिमखाना स्पेशली मेनू में डाल रहा हूँ, और नेक्स्ट मंथ से होप श्योर ये हर किसी को मिलने का उम्मीद है और मिलेगा। और तो आइए चलते देखते हैं शेफ को शाम सवेरा डिश बनाते हुए कि आखिर कैसे तैयार होता है ये जो खास डिश है शाम सवेर। तो सर, सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप बताइए कि क्या कुछ है। मैम बिल्कुल, अभी शाम सवेरा का जो फर्स्ट स्टेप होते हैं, सबसे पहले आप रेड कलर का टोमेटो लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपने काजू लेंगे, उसके बाद हमारा ड्राई मसाला में है लौंग, ब्लैक ग्रीन कार्डमम एंड जावेत्री, रेड चिलीज है और गार्लिक है। ये सारी चीज़ पहले आप टोमेटो को, तो मखनी ग्रेवी के लिए आपको सबसे पहले टोमेटो को कट करना पड़ेगा, एक का चार काट करके आपको फ्रेश वाटर में डालना है। इस टाइप की आप 8 से 10 टोमेटो ले लीजिए, लेके उसके बाद सारी टोमेटो का आपको बॉयल करके प्यूरी में कन्वर्ट करना है। प्यूरी बनाने के बाद आपको उसको वापस दोबारा पकाना है। जब आपको पूरी तरह पक जाएगा उसको आपको ठंडा करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कोफ्ता के लिए। अभी सबसे पहले मैं बताऊँ टोमेटो, देखिए आप इस टाइप के टोमेटो कटिंग करना, थोड़ा सा वाटर लेना है, इसमें 2-4 ग्रीन कार्डमम इलायची डालना है, एक रेड चिली होल साबुत वाला, 2-3 जावेत्री डालना है और होल गार्लिक छिला हुआ पील्ड गार्लिक डालना है आपका 2-4 और लौंग, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये जस्ट आपको बॉयल करना है। ये जब तक बॉयल होते हैं आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ। हमने ऑलमोस्ट मिजा रेडी करके रखा ताकि हमारा समय बहुत कम लगे। इस टाइप के हमें पालक का पेस्ट बनाना है और वो पेस्ट को सबसे पहले एक साफ सुथरा कढ़ाई में आपको उसको भून के टाइट करना है। इस टाइप के आप देखिए, इस टाइप के टाइटनेस होगा ताकि ये कोटिंग आपका जो कोफ्ता होंगे उस कोफ्ता के ऊपर अच्छा से चढ़ सके और वो गिरे नहीं। तो ये हो गया आपका पालक पेस्ट हो गया, ये हो गया आपका कॉटेज चीज़ का मसाला। ये सारी कॉटेज चीज़ जो पनीर होते हैं वो ग्रेट करके इसमें सारी इंडियन स्पाइसेस, कार्डमम पाउडर, ये सारी डालने के बाद इस टाइप के मसाला होंगे। उसके बाद इसको जस्ट इस टाइप के राउंड बनाना है,
ये आपका रोल हो गया। रोल होने के बाद जस्ट ये पालक का आपका हाथ में इस टाइप के लेना है और इसको इस टाइप के फैला देना है। देखिए, फिर इस रोल को इस टाइप के इसको रोल बनाना है, इसको पूरा कटिंग करना है। ये देखिए, नहीं ये रोल अभी शाम सवेरे का मतलब ही यही है। अभी ये सपोज कीजिए अभी शाम है तो ये मैंने अभी बना लिया और ये डीप फ्रीज में डाल दिया जाएगा तो ये एकदम आइस जैसे हो जाएगा। फिर ये सुबह निकल के इसको फ्राई करके कटिंग करके क्या जाते हैं नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे कटिंग आ जाते हैं। हाँ, ये ओवरनाइट रखने के बाद जो बॉल हमने बनाया था इस टाइप की दिखेगा हार्ड। या अब हमें फ्राई करेंगे इसको। फ्राई करने का भी प्रोसेस है, ये तेल को आपको टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। आप ज़्यादा स्लो में डालेंगे सारी बॉल फट जाएगा, तो आपको मीडियम हीट, ज़्यादा तेज जोर से भी नहीं करना है, फ्लेम एकदम मीडियम हीट में करना है। हाँ, और बॉल को छोड़ना है, उसके बाद आप फ्राई कीजिए। ध्यान रखना मीडियम फ्लेम में ही करना है, नहीं तो ये फट सकता है। अभी हम बताएंगे ग्रेवी कैसे बनते हैं उसका। सबसे पहले आप पैन में थोड़ा वाटर लेंगे, इसको वॉश कर लेंगे ताकि गंदगी साफ हो जाए। फिर पैन को हल्का गर्म करेंगे, हमारा मखनी ग्रेवी डालेंगे हम। हल्का सा वाटर हम ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी नीचे लग ना जाए। आपको ध्यान रखना है ये ज़्यादा पतला ना हो जाए और ज़्यादा थिकनेस भी ना हो, स्मूथ ही होना चाहिए। अभी हम लोग फिनिशिंग में इसको हल्का सा देखिए, हल्का हम बटर देंगे, एक टीस्पून बटर, 2 टीस्पून क्रीम, फ्रेश क्रीम, ये हम अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं, थोड़ा कसूरी मेथी, ध्यान रखें कसूरी मेथी को क्रॉस करके ही डालें, थोड़ा कसूरी मेथी एंड लास्ट इलायची पाउडर। हमारा ग्रेवी बन के रेडी है। अभी हम बताएंगे कैसे सर्व करना है, उसको एक का दो कट करेंगे, इसको धीरे से कट करना है ताकि ये टूट ना जाए। हम बॉल में इसे रखेंगे, पहले ग्रिप का स्मूथनेस जस्ट इस टाइप के होना से आराम से गिरे। कंपल्सरी जाना ही चाहिए क्योंकि ये शाम सवेरा जो है थोड़ी सी रिच ग्रेवी होते हैं, रिच फूड में आते हैं। बेसिकली जितना भी कोफ्ता से है पंजाब के फूड होते हैं, पंजाबी फूड, और पंजाबी फूड ऑलमोस्ट रिच होते हैं, हमेशा क्रीम बटर भरमूर होते हैं। ये आपका डिश रेडी है। तैयार करा था शाम सवेरा, अब उसकी टेस्टिंग की बारी है और यहाँ पर ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर इनको डिश कैसी लगी। तो सर, जो आप डिश आपने जो ट्राई करा वो उस डिश का नाम शाम सवेरा था, आपको कैसा लगा सर पर्सनल? ये काफ़ी यमी था, मैंने पहली बार ही ट्राई किया, काफ़ी क्रीमी और रिच टेस्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अब बारी है इस डिश को मेरे टेस्ट करने की कि आखिर ये डिश कैसा लगता है। वाकई ये डिश जो शेफ ने बनाया है शाम सवेरा, ये सच में काफी टेस्टी है और मैंने रिव्यू देखा था। ऐसे ही नहीं, रवि शास्त्री जी ने कहा था कि रांची की पहली यात्रा शानदार रही, देश के सर्वश्रेष्ठ यात्राओं में से एक यादगार यात्रा बन गई। क्लब में रुके ब्रिटिश हाई कमिश्नर डॉक्टर एंड्रिव फ्लेमिंग ने यहां के खाने की तारीफ की और रिव्यू में लिखा कि यहां रुकना परफेक्ट अनुभव रहा, रूम बड़े साफ सुथरे और आरामदायक थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।